स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हमें यह कहा गया कि विदाउट फाइंडिंग इनवर्स फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स यानी एक फंक्शन दिया गया है उसका इनवर्स हमने मालूम नहीं करना लेकिन मालूम किए बग़ैर उसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया गया होगा उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे और हम ये जानते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एंड रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स तो इस रूल को यूज करते हुए हम एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज बता सकेंगे पार्ट नंबर वन में जो फंक्शन दिया गया वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल सके रूट ऑफ एक्स प्लस टू तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें सके रूट इन्वॉल्व हो उसको रेडिकल फंक्शन या रूट फंक्शन बोलते हैं और हम ये जानते हैं कि सके रूट के इन साइड जीरो या जीरो से बड़ा नंबर पुट होता है क्योंकि जब भी हम कोई नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो वो सके रूट उसको आयोटा की फॉर्म में चेंज कर देगा और हमें रियल नंबर्स तक रहना है कम्पलेक्स नंबर्स की तरफ नहीं जाना तो यहाँ नोट करें कि सके रूट एक्स प्लस टू है तो यहाँ ये जो इन साइड फंक्शन है एक्स प्लस टू इसकी वैल्यू जीरो या ज़ीरो से ज़्यादा होनी चाहिए इट मीन्स दैट एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू तो अब हमें ये पता चला कि इस फंक्शन में एक्स की वो तमाम वैल्यूज पुट की जा सकती हैं जो माइनस टू या माइनस टू से ज़्यादा है तो इसका मतलब हम यहाँ से इस फंक्शन की डोमेन बता सकते हैं कि डोमेन ऑफ f दिस इज इक्वल टू माइनस इन टू टू इंफिनिटी यानी वो तमाम रियल नंबर जो माइनस टू या माइनस टू से बड़े हैं ओके, तो अब आते हैं इस फंक्शन की रेंज की तरफ तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी आप देखें कि रेडिकल इन्वॉल्व है रूट इन्वॉल्व है और रूट का आंसर हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है नेगेटिव तो नहीं होगा इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन की रेंज जीरो है ओके तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एंड रेंज ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स तो इस तरह से हमने फंक्शन एफ का इनवर्स मालूम किए बगैर उसकी डोमेन और रेंज फाइंड के ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री और साथ में बताया कि एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री तो ये जो फंक्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन की डोमेन में वो रियल नंबर शामिल नहीं होते जहाँ डिनोमिनेटर जीरो होता है तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो है एक्स प्लस थ्री तो देखते हैं एक्स प्लस थ्री जीरो कब होता है अगर एक्स प्लस थ्री जीरो की इक्वल हो तो इट मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू तो माइनस थ्री तो हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन में सारे रियल नंबर हैं लेकिन माइनस थ्री नहीं है और वैसे भी उन्होंने साथ बता भी दिया था कि एक्स इज नॉट इक्वल टू तो माइनस थ्री तो इसकी डोमेन की तरफ आते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ कंटेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस थ्री और अगर हम इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो यूँ लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री ओपन इंटरवल यूनियन फ्रॉम माइनस थ्री टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ओके ये इंटरवल की फॉर्म इसका मतलब यह है कि वो तमाम रियल नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री के दरमियान है और फिर माइनस थ्री से इन्फिनिटी के दरमियान इनमें माइनस थ्री शामिल नहीं है अच्छा अब बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में ये इस तरह के रैशनल फंक्शनस की रेंज बाज़ात बड़ी कम्प्लिकेटेड होती है तो मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि अगर हमारे पास रैशनल फंक्शन इस तरह का हो कि ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी तो इसकी रेंज में तमाम रियल नंबर होते हैं मा मासीवाई एवर सी के आप नोट करें ए इज़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स इन न्योमिनेटर एंड सी इज द कोफिशेंट ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर यानी एक्स के जो कॉफिशेंट्स हैं उनसे जो बनने वाला नंबर है वो इस फंक्शन की रेंज में नहीं होगा बाकी तमाम होंगे तो अगर हम इस फंक्शन को इस तरह से लिखें तो लिख सकते हैं जीरो एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री अब ऊपर जो एक्स का कोफिशेंट है वो जीरो है और नीचे जो एक्स का कोफिशेंट है वो वन है इट मींस डैट इस फंक्शन की रेंज में जीरो ओवर वन शामिल नहीं है बाकी तमाम रियल नंबर हैं सो हम यहाँ से इसकी रेंज बता देते हैं कि रेंज ऑफ एफ दिस कंटेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो ओवर वन जो कि जीरो के इक्वल है ओके okay, हम या, हमने यहाँ से फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली जबकि हमें तो फंक्शन के इनवर्स की डोमेन और रेंज चाहिए यहां से हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली है लेकिन हमें तो फंक्शन के इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है तो हम ये जानते हैं कि जो डोमेन ऑफ एफ है वो इक्वल होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स तो हमें डायरेक्टली यहाँ से रेंज ऑफ एफ इनवर्स मिल गया और इसी तरह रेंज ऑफ एफ जो है वो इक्वल होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स तो इस तरह से हमने फंक्शन के इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर और साथ में बता दिया गया एक्स इज नॉट इक्वल टू फोर इसका मतलब यह है कि डोमेन में तमाम रियल नंबर हैं लेकिन फोर नहीं है वजह क्या है चूंकि अगर फोर हम पुट करें तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाता है तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फोर ओके okay, अब बात करते हैं रेंज ऑफ एफ के बारे में तो मैं सेकेंड पार्ट में ही आपको इसका एक रूल बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास फंक्शन हो एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी तो इस फंक्शन की रेंज में तमाम रियल नंबर होंगे लेकिन ए ओवर सी नहीं होंगे यानी एक्स के कोफिशंट्स की रेशियो से बनने वाला नंबर रेंज में शामिल नहीं होता बाकी तमाम नंबर शामिल होते हैं तो यहाँ आप नोट करें कि एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर में ऊपर जो एक्स का कोफिशेंट है वो वन है और नीचे भी जो एक्स का कोफ़िशेंट है वो भी वन है इट मीन्स डैट इस फंक्शन की रेंज में तमाम रियल नंबर्स होंगे लेकिन वन ओवर वन शामिल नहीं होगा यानी कि वन शामिल नहीं होगा ओके okay, तो हम ये जानते हैं कि डोमेन ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स तो इसका मतलब हमने फंक्शन के इन्वर्स की रेंज मालूम कर ली बगैर एफ इनवर्स मालूम किए इसी तरह रेंज ऑफ एफ जो है वो इक्वल होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स तो यहां हमारा ये पार्ट मुकम्मल हुआ तो वैसे अगर आप गौर करें तो ये जो फंक्शन दिया गया ये पोलिनोमियल फंक्शन और पोलिनोम फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ आल रियल नंबर्स होते हैं यहां ये क्यों बताया गया कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव तो इसकी वजह यह है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव के लिए ये वाला फंक्शन वन वन है अगर हम तमाम रियल नंबर्स लेंगे तो आप जानते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो एक पैराबोला बनता है और हॉरिजेंटल लाइन उसको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट करती है इस वजह से वो फंक्शन वन वन नहीं होता तो इसलिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके बताया गया कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव इस डोमेन पर यह फंक्शन वन वन है और वन वन होने की वजह से इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है तो ओके पहले हम इसकी डोमेन और रेंज बता देते हैं कि वो क्या है सो डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ जैसा कि हमें बताया गया कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव इट मीन दैट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव तो अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो यूं लिख सकते हैं क्लोज फाइव और इन्फिनिटी ओपन ओके नेक्स्ट अगर हम इसकी रेंज के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन दिया गया ये सुकेयर है एक्स माइनस फाइव सुकेयर तो जब भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लिया जाता है तो आंसर पॉजिटिव होता है जीरो या जीरो से ग्रेटर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो तमाम रियल नंबर्स हैं जो जीरो या जीरो से ज्यादा है सो so, हम यहाँ इंटरवल की फॉर्म में बता सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन एफ दैट इज इक्वल टू क्लोज जीरो टू ओपन इन्फिनिटी लेकिन हमें तो फंक्शन के इनवर्स की डोमेन और रेंज चाहिए थी तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि चूंकि डोमेन ऑफ एफ इक्वल है रेंज ऑफ एफ इनवर्स इट मीन्स डैट हमें एफ़ इनवर्स की रेंज मिल चुकी और रेंज ऑफ एफ जो है वो इक्वल है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स तो इस तरह से हमने फंक्शन एफ इनवर्स फाइंड किए बग़ैर उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर ली